आज हम लोग आया है असम में, जो नॉर्थ ईस्ट में सब्जी का खेती कैसा होता है, जो नेचुरल जो सब्जी जो जो क्या बोलते हैं उसको खेत में कैसा होता है, कौन सा सब्जियां है देखने के लिए आया है। तो इधर पूरा जब जितना नज़ारा देख रहा है पूरा सब्जियों का है। वो जो पहाड़ का नीचे 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 से लेके उधर पूरा आगे तक है, उधर से कम 4-5 किलोमीटर आगे है, इधर है और 2 किलोमीटर है या इधर सामने से है। और कौन सा सब्जी क्या है आज देखेंगे और लेके भी जाएंगे। अमन भाई आज फ्रेश फ्रेश लेके जाएंगे, क्या कौन सा सब्जी है देखना। ये तो सामने से देखने मिल रहा है कद्दू, ये सब पूरा कद्दू है, कद्दू या लौकी जो भी है, आई थिंक ये कद्दू ही है। हाँ कद्दू है ये, जो भी है आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अच्छा तो लग रहा है। और ये क्या है, बीन्स है शायद। हाँ ये बीन्स है, साथ में फूलगोभी था लेकिन इसको खा गया पूरा, कीड़े मकोड़े ने खा लिया पूरा, तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको मेडिसिन मारना पड़ता, तो आई थिंक ये मेडिसिन लगाया नहीं उन्होंने, तो ये पूरा ख़त्म हो गया अभी नहीं, मतलब मेडिसिन लगाएंगे तो अभी भी हो सकता है, अच्छा हो जाएगा। सलगम भी है, गोभी है, सब है, मतलब सब मिक्स लगाए हुए हैं। हाँ और ये धनिया, हरा धनिया जो कोरिएंडर होता है, ये जब फूल आता है इसका तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये देखो कॉलीफ्लावर, ये इसको पूरा पत्ता ने उसको कवर कर दिया, फिर जैसे ही बड़ा आएगा वैसे ही मतलब वो पत्ता ही उसका जो पत्ता है उसको कवर करते जाएगा, क्योंकि दूसरा कीड़ा मकोड़ा कोई इसको जैसा अटैक ना करे इसके लिए। और इसके लिए तो दवाई भी मारा जाता है, दवाई भी मारता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो चीज़ ऐसा चीज़ है देखो कैसा है, अपना चीज़ को पत्ता ने अपना जो खाने का चीज़ को कैसा कवर कर रखा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कॉलीफ्लावर का खेती है। कॉलीफ्लावर अभी बड़ा हो गया, ऑलरेडी काट रहा है। ये कॉलीफ्लावर काट के रेडी है, उसको अभी लेके जाएंगे बाजार में, मार्केट में लेके जाएंगे बेचने के लिए। उधर देख रहे हैं पूरा ये गुनी भर भर के रखा है, इधर ये जूम करके देखा था आप लोगों को, ये पूरा गुनी भर भर के रखा है, ये देखिए, उसको बाद में मार्केट में लेके जाएंगे बेचने के लिए। पूरा इधर खेती भरा पड़ा है ऐसा, पूरा इधर से पूरा उधर तक है, लास्ट तक है पूरा खेती है। ये साइड में बेसिकली वही खेती होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग खेती होता है, धान का खेती अलग है और इसका कॉलीफ्लावर का खेती अलग है, और चीज़ का खेती का अलग अलग है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन मेहनत बहुत ज़बरदस्त किया है देखने में लग रहा है ना, क्या नहीं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया है। हाँ मनु भाई बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, हर दिन पानी लगाया जाता है उस पर, फिर सुखाना भी पड़ता है, पानी लगा के मतलब सुखाना पड़ता है, फिर धूप भी चाहिए उसको, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल सामना है, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। अभी आया ब्रिंजल का खेती है, ये ब्रिंजल का खेती में आया, आने का बाद ये देखा है पूरा, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, लेकिन बहुत मेहनत है इसमें, हाँ बहुत ज़बरदस्त वाला मेहनत है इसमें, क्योंकि उसका एक एक जो पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर पकड़ने का, ये सामने जो है ना देखने मिल रहा है, क्योंकि वो बारी हो जाता है, बारी होने के बाद फिर वो उसका जो पेड़ है वो टूट जाता है, इसका वजह से उसको एक नीचे से उसका लकड़ी से उसको ये करके रखता है, बांध के रखता है, ये पूरा इसका वही खेती है, ये देखिए पूरा उसका खेती है, ये देखिए पूरा खेती में काफ़ी सारा है, ब्रिंजल है उसमें, इसमें लेकिन छोटा छोटा है मेरे को, हाँ इसमें थोड़ा छोटा छोटा है देखने मिल रहा है, वो दूसरा साइड में है बड़ा बड़ा है, लेकिन क्या है पेड़ कोई भी छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है, बस काम के मामला वही है, सेम ही है। हाँ छोटा होता था किली में बिकता है तो फिर अच्छा है, जो खेती करता है उसके लिए सही है, लेकिन ठीक ठाक है, अच्छा है, ख़राब तो नहीं है, कभी छोटा कभी बड़ा होता है, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसा ही है। ये है पोटैटो का है, ये पूरा एरिया पोटैटो का खेती है, ये देख रहा है,
ये एक्चुअली जो अभी छोटा छोटा है, थोड़ा कितना एक महीना बाद में फिर बड़ा बड़ा हो जाएगा। ये पोटैटो का है, ये अभी फिलहाल तो लग रहा है छोटा छोटा है, लेकिन बहुत मेहनत है उसका पीछे देखने में लग रहा है, ज़बरदस्त मेहनत है। अभी एक दूसरा कौन सा सब्जी मिला है दिखाता हूँ, ये है सालगोम। ये देखिए पूरा सालगोम की खेती है, जहाँ तक नज़र जा रहा है वो देखा, वो सलगम उधर नहीं। हाँ एक जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी दो चार दिन में इसको काट के खाएंगे, बाजार में बेचा जाएगा। अभी खा के ऑलरेडी खा रहा है मतलब। हाँ अभी छोटा छोटा है, थोड़ा छोटा है, दो तीन दिन में बड़ा हो जाएगा, फिर इसको बाजार में ले जा के बेचेंगे यहाँ से, और फिर पब्लिक खरीद के खाएगी इसको। ये देखिए ये दूसरा सब्जियाँ मिला है इधर, ये है बीन, ये देखिए बीन जैसा नहीं है इसका जो भी है। हिंदी में उसका ट्रांसलेट मालूम नहीं क्या है अरे यार बड़ा मुश्किल का सामना है। ये पूरा खेती है, आप लोग को अगर मालूम रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्लीज़ बता दीजिए उसका नाम क्या है। मनिल भैया मैं परेशान हो गया, इसका हिंदी में हम लोग मालूम है लेकिन वो याद नहीं आ रहा यार, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग याद करिए दिलाइए प्लीज़ यार, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये देखिए ये पूरा इधर ऐसा है उसका खेती है, ये पूरा उसका खेती है आप लोग देख। मेरा आँखों का रक्षणी चला गया, लेकिन कैमरा जितना पकड़ रहा है कितना नहीं मेरे को मालूम नहीं है इतना बड़ा बड़ा है। देखिए क्या खूब लगती हो।